नमस्कार साथियों, हिंदी नाटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय परीक्षाओं जैसे नेट और सभी राज्य की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, राज्य प्रवेश पात्रता परीक्षा और आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ में या विश्व जितने भी आपके कॉलेजेस की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, PhD वगैरह, उन सब की तैयारी अपने इस चैनल पर हम प्रमाणिक ग्रंथों के माध्यम से करते हैं। इसी क्रम में जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं, वह हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह आपके जो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी लिटरेचर आपके सिलेबस में लगा हुआ होता है, उसकी तैयारी के लिए आधुनिक काल में एक बेहतरीन पुस्तक है। शुक्ल के बाद रीतिकाल के लगभग अंतिम चरण में भिखारीदास और पद्माकर दो हमारे कवि बचे हैं और इसके बाद हम आधुनिक काल में प्रवेश करेंगे। भिखारीदास के विषय में आप सभी जानते हैं कि भिखारीदास आचार्य कवि हैं, ठीक है, कवि तो हैं लेकिन आचार्य हैं, तो लगभग रीतिकाल के अंतिम आचार्य हैं यह, और अंतिम कवि अगर रीतिकाल के देखें तो वो पद्माकर होंगे, ठीक है। तो इनकी रचना का उद्देश्य में आचार्य तत्व या आचार्यत्व कहें या कहें ना कि एक तरीके से जो संस्कृत के ग्रंथों के आधार पर रीतिकाल में लक्षण और उदाहरण ग्रंथ रखने की जो लिखने की जो परंपरा चली, जो रीति चली, रीतिकाल इसीलिए रीतिकाल का नाम रीतिकाल है क्योंकि उसमें लक्षण और उदाहरण लिखने की परिपाटी सी चली। तो जो केशव दास ने प्रारंभ किया की परिपाटी हिंदी में, वह समाप्त होती है भिखारीदास पर आकर। हमने शुक्ल में इनके विषय में पढ़ा है, इन्होंने साफ लिखा है कि आगे के कवि रीझे तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। आगे के कवियों को अच्छा लगे तो कविता मान ले, नहीं तो फिर मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान के स्मरण का यह एक बहाना है। इसी प्रकार इनकी अन्य पंक्तियां हैं जो शुक्ल की बुक में हमने पढ़ी। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी इनके विषय में क्या सोचते हैं, अपने शोध में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भिखारीदास के विषय में क्या जाना, क्या पाया, उसको आज की कक्षा में हम देखते हैं। यह पुस्तक इसलिए भी उपयोगी है, जैसे शुक्ल का इतिहास ग्रंथ तो हमने पढ़ लिया लेकिन उसके बाद हम इतने सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ते क्योंकि हम अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए, परीक्षा की जो टेक्स्ट बुक है आपकी, इतने सारे उपन्यास, नाटक, निबंध, अन्य गद्य विधाएँ, कहानी वगैरह लगी होती है कि उतना पढ़ पाएँ, वो सभी किताबें खरीदना और पढ़ना ही संभव नहीं है। ऐसे समय में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी जैसे विद्वान जो शताधिक ग्रंथों को, क्योंकि इस बुक के अंत में मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, शताधिक ग्रंथों को पढ़कर उसका निचोड़ जब हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, हजारों पन्ने में एक कवि के विषय में लिखकर और उन सैकड़ों पन्नों में अलग अलग किताबों को पढ़कर सैकड़ों पन्नों में रफ नोट्स बनाना और उनसे फिर फेयर के रूप में कंटेंट लेना और फिर उस कंटेंट को भी एक या डेढ़ पेज में समेट देना आसान बात नहीं है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कि इतना बेहतरीन कंटेंट उन्होंने हमें उपलब्ध कराया, विशेषतः आधुनिक काल के संदर्भ में। आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य के रूप में भिखारीदास की गणना होती है। भिखारीदास सजग और सतर्क रचनाकार हैं। उनकी स्पष्ट और घोषित महत्वाकांक्षा कविता के पक्ष में है। आगे के सुकवि रीझें तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानु है। पर यह एक करुण व्यंग्य है कि सजगता और सतर्कता कविता के हित में नहीं है, आचारत्व के हित में भले हो। इसीलिए वे रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कहे जाते हैं, अंतिम प्रसिद्ध कवि नहीं। अपने ग्रंथ, अब भिखारीदास का ग्रंथ कौन सा, काव्य निर्णय। मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि रीतिकाल में काव्य का निर्णय कौन करेंगे, भिखारीदास करेंगे। अपने ग्रंथ काव्य निर्णय के आरंभ में दास ने ब्रजभाषा प्रयोग के संबंध में लिखा है, ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी ही हूँ सो जानिए। ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसा ऐसा कवि की वाणी से ही जानिए। यहाँ आचार्य ने प्राय 300 वर्षों की ब्रजभाषा काव्य परंपरा को समझते हुए काव्य निर्णय का रचना काल 1746 ईस्वी है इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है कि किसी व्यापक काव्य भाषा में रचना करने वाला कवि
आवश्यक नहीं कि स्वयं उसी के क्षेत्र का निवासी हो। ब्रजभाषा हेत ब्रजभाष ही, ब्रजभाषा के लिए ब्रजवास करना ही जरूरी नहीं है, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि आवश्यक नहीं कि कवि स्वयं उसी क्षेत्र का निवासी हो। काव्य की परंपरा विकसित होने पर इतनी पुष्ट हो जाती है कि मौखिक रूप से के अतिरिक्त उसे साहित्यिक रूप में भी सीखा और ग्रहण किया जा सकता है। भिखारी दास अवध के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अवध। तो अवधि में नहीं लिखेंगे ये ब्रजभाषा कुछ ना। भिखारी दास अवध के रहने वाले थे और उनकी यह उक्ति बहुत कुछ अपने काव्य प्रयत्नों का औचित्य सिद्ध करने के लिए भी हो सकती है। पर इस तरह तो हर कवि के द्वारा लिखी हुई आलोचना अंततः आत्मरक्षा और आत्मस्पष्टीकरण का ही साधन होती है। भिखारी दास के उपर्युक्त भाषा लक्षण से मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की, एक सेकंड थोड़ा सा सेट करते हैं, कुछ ज्यादा ही हितकित बुक जो है हिल रही है, इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। भिखारी दास के उपर्युक्त भाषा लक्षण से मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश के काव्य भाषा स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस समूचे क्षेत्र में वीर गाथा काल के चंद्रवरदाई से लेकर आधुनिक कवि अज्ञ तक काव्य भाषा की एकता बराबर रही है। हर युग के कवियों ने एक स्वीकृत परिनिष्ठित काव्य भाषा को अपनाया है, भले ही वे उसके आधार क्षेत्र के निवासी हों या ना हों। चंद राजस्थान के थे और कबीर रमते साधु संत होने पर मूलतः भोजपुरी क्षेत्र के कहे जाते हैं, पर दोनों का रचना ब्रजभाषा या ब्रजभाषा खड़ी बोली के समन्वित रूप में, जो उस समय काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। उससे कुछ पूर्व खड़ी बोली में काव्य रचना हो रही थी। दक्कनी के सूफी कवि अमीर खुसरो स्वयं कबीर का काव्य जिसका प्रमाण है। इनमें से दक्कनी कवियों की रचनाएं हिंदू उर्दू की सम्मिलित काव्य भाषा के आरंभिक रूप का प्रमाण है। यद्यपि अपने छंद विधान, अप्रस्तुत योजना आदि के कारण वे हिंदी के व्यापक काव्यधारा का अंग नहीं बन पाई। मध्यकाल में अधिकतर से ब्रजभाषा और अंशतः अवधि का प्रयोग होता है। ठीक है, अवधि भक्ति काल में तो प्रमुख थी और कहीं कहीं पर ब्रजभाषा का प्रयोग था, किसी किसी कवि ने किया, लेकिन रीति काल में क्या हुआ, प्रधान भाषा कौन सी हो गई, ब्रज, और अवधि अंश रूप में रह गई। आधुनिक काल में भारतेन्दु से काव्य भाषा का आधार फिर बदलता और ब्रजभाषा के स्थान पर फिर खड़ी बोली प्रतिष्ठित होती है। भारतेन्दु ने स्वयं मध्यम मार्ग अपनाया, कविता उन्होंने परंपरित ब्रजभाषा में लिखी और गद्य की नई चेतना उनकी खड़ी बोली में अभिव्यक्त हुई। भाषा और संवेदना दोनों दृष्टियों से भारतेन्दु में उस युग की संक्रांति अवस्था को अच्छी तरीके से देखा जाता है। कौन सी भाषा और संवेदना, हिंदी भाषा और संवेदना, भारतेन्दु का काव्य प्राय मध्यकाल की ओर देखता है और उनका गद्य आधुनिक चेतना को रूपायित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न करता यहाँ से प्रश्न बनाए तो वो बना सकता है कि भारतेन्दु का काव्य प्राय मध्यकाल की ओर देखता है, उनका गद्य आधुनिक चेतना को रूपायित करता है। हिंदी काव्य भाषा की इस अनवरत विकास प्रक्रिया में हम पाते हैं कि कबीर ने जनभाषा के प्रभाव और शक्ति की ओर संकेत किया था और उसका रचनात्मक उपयोग किया था। 3 शताब्दियों के बाद भिखारी दास तक आते आते प्रभाव में उतनी गति नहीं रहती। अब भाषा को एक स्थिर माध्यम के रूप में देखकर उसकी जांच पड़ताल हो रही है। निरक्षर कवि से लेकर अधीत आचार्य तक की यह भाषा यात्रा है। निरक्षर कवि कौन? कबीर, और अधीत आचार्य भिखारी दास। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि भिखारी दास में रचनात्मकता कम और वर्गीकृत अलंकारों का प्रदर्शन अधिक हो। उनका अधिकांश काव्य परंपरित उपमानों का अभ्यास है। शास्त्र रचना होने के कारण यह इस प्रकार के काव्य की एक अंतर्निहित सीमा कही जा सकती है, पर रचना की कसौटी अंततः रचना है, उसमें किसी प्रकार की छूट मुमकिन नहीं होती। भिखारी दास की अलंकार योजना का एक प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, छंद के प्रथम और अंतिम चरण के रूप में। अलक पे अली बृंद भाल पे अरध चंद भ्रूप धनु नयन पे वारो कंज दल में। अलक पे अली दल, बालों पे भौरों का समूह वृंद है ना, और भाल पे अरध चंद्र जो ये जो मस्तक है इस पर आधा चंद्रमा, भ्रूप धनु नयन और जो भौम है उन पे धनुष, और नयन पे वारो कंज दल में, नयनों पर कमलों का दल में
न्योछावर करता हूँ। तो ये सब वही बात है जो कल घनानंद के प्रारंभ में हमने पढ़ी थी, याद है आपको? घनानंद के समक्ष क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा था ना, मीन मृग खंजन कमल नयन, वही बात है। अचल नितंबन, अचल नितंबन पे पर्वत, किस पे? नितंबों पे। जंगन कदली खम्ब, और जंघाओं के लिए केले के जो तना होता है वह। बाल पग तल बार लाल मखमल में, और जो उसके पग हैं उनका जो तलवा है उस पे लाल मखमल में न्योछावर करता हूँ। ऐसे छंदों में लगता है कि शरीर की रचना विलुप्त हो गई है, सिर्फ अलंकार ही अलंकार दिखते हैं। कवि की इसी प्रवृत्ति से खींच कर ही आनंद है अरविंद न फूलियों वाले छंद को लेकर आचार्य शुक्ल ने व्यंग किया है कि ऐसे संकट में पड़ी हुई नायिका शायद ही कहीं दिखाई पड़े। और तब समझ में आता है कि संकट अकेले नायिका का ही नहीं कविता का भी है ना। यहाँ पे शुक्ल लिखते हैं ऐसे संकट में पड़ी हुई आनंद है अरविंद न फूलियों। तो देखिए यहाँ पर नायिका तो क्या उपमानों से उसको इतना ज्यादा अलंकृत कर दिया कि नायिका तो बेचारी परेशानी में पड़ जाएगी। ये शुक्ल वाला जो है यहाँ पूरा नहीं दिया हुआ है, ये शुक्ल की बुक में है। इसीलिए मैं आपसे बारंबार यह आग्रह करती रहती हूँ कि आप लोग यदि हिंदी लिटरेचर को अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल पे दे रहे हो, IAS दे रहे हो, कोई भी आप अपना स्टेट का PCS एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ भी दे रहे हो, शुक्ल को पढ़िए। ठीक है, देखिए ये बुक में जो मैंने जो प्रारंभ करी उसका कारण था कि आप आधुनिक काल को पढ़ें। बाकी आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तो शुक्ल में इतना ढंग से दिया हुआ है कि उसके बाद किसी और को पढ़ने की आवश्यकता सी नहीं रह जाती। यूँ आप अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए शताधिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए तो दी बेस्ट है। ठीक है, और आधुनिक काल बस अब कल पद्माकर और उसके बाद आधुनिक काल। आप लोग वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, आप लोग बार बार कहने पर भी लाइक नहीं करते हैं, मुझे बार बार कहना पड़ता है लाइक करो लाइक करो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह YouTube पे काम करने की एक मजबूरी है। आप भी देखते हो कि कितने कम विद्यार्थी हैं जो इस तरीके से गहराई से पढ़ना चाहते हैं, जो विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं, और आप सबके के कारण ही मैं हिम्मत कर पाती हूँ इस तरीके की बड़ी बड़ी किताबें खरीदने और आपके समक्ष पूरा प्रस्तुत करने की। तो कृपया कमेंट बॉक्स में, राय लिखने में समय लगता है लेकिन लाइक करने में समय नहीं लगता, तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। धन्यवाद।